संविधान ने शिक्षा का अधिकार तो सभी को दिया है, लेकिन तंग हाली में जीवन जीने को मजबूर परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई आज भी एक सपना है। लेकिन अब उनके इसी सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया है उन्नाव की सिस्टर शिल्पा ने। गांधीनगर तिराहे के पास रोड पर खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे थारू जनजाति के बच्चों को पढ़ाने के एवज में वो ना तो पैसे लेती हैं और ना ही कोई दूसरी मदद। हाँ, उनके मन में बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाने का सपना जरूर है। एक लड़की ने मुझसे बोला कि देखो, कई लोग अपना नाम लिख करके दे जाते हैं लेकिन कोई पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए मैंने वादा की उन लोगों से मैं आएंगे हर दिन पढ़ाने के लिए 2 घंटा। अभी पिछले 3.5 महीने से हम पढ़ा रहे इन लोगों को। वर्षों से खानाबदोश जीवन जी रहे थारू जनजाति के लोगों को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उनके बच्चों की शिक्षा के लिए इस तरह से हाथ बढ़ाएगा। लेकिन अब सिस्टर शिल्पा की मदद से बच्चों के परिजन बेहद उत्साहित हैं। बहुत अच्छा काम कर रही सिस्टम। बच्चों का ध्यान देती हैं, कॉपी किताब सब देती हैं और हम लोगों को मतलब जागरूक कर दिया है कि ऐसे खाना बदोश जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षा न सिर्फ जीवन के अंधियारों को मिटाने का साधन है बल्कि प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में भी सहायक है। ऐसे में सिस्टर शिल्पा का ये छोटा सा प्रयास वाकई सराहनीय है। सत्यम वाजपेयी, APN, उन्नाव।